नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। भारत एक ऐसा धर्म निरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। यहां सभी धर्मों के लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और इबादत के अन्य धार्मिक स्थल मौजूद हैं। बात करें इस्लाम धर्म की तो दुनिया की आबादी में इसकी बड़े हिस्सेदारी है। दुनिया के 195 देश में जिनमें से 97 इस्लामिक कंट्री है। जाहिर है कि इन देशों में मुस्लिमों के लिए इबादत की जगह यानी मस्जिद बड़ी संख्या में होगी। लेकिन आगे हम आपको एक अलग बात बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी तो है लेकिन उनके लिए एक भी मस्जिद नहीं है। यहां मुस्लिम लोगों को अपने घरों में ही या फिर किसी कल्चर सेंटर में ही इबादत करनी पड़ती है। यहां कई बार मस्जिद बनाने की मांग उठी, कई बार विवाद भी हुए, लेकिन यहां की सरकार ने मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी। इन दो देशों के नाम हैं स्लोवाकिया और इस्तोनिया। ये दोनों देश यूरोप में हैं। इन दोनों का नाम दुनिया के खुशहाल देशों में भी शामिल है। ये दोनों देश बहुत पुराने नहीं हैं, हाल ही के वर्षों में यूरोपियन यूनियन से जुड़े हैं। स्लोवाकिया और इस्तोनिया में एक भी मस्जिद ना होने के पीछे वहाँ की सरकार है। बहुत कम मुसलमान आबादी होने के तर्क देती है, इसलिए वहाँ पर मस्जिद नहीं है। साल 2011 में जनगणना के मुताबिक स्लोवाकिया में मुस्लिमों की आबादी महज 0.2% है, जबकि इस्तोनिया में मुस्लिम की आबादी 0.14% है, यानी करीब 1500 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि बीते 10 सालों में यहां की मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहां मस्जिद नहीं बन पाई। ब्रस्तिलावा में मस्जिद बनाने की मांग उठी थी, लेकिन सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। वर्ष 2015 में यूरोपियन शरणार्थी संकट के दौरान स्लोवाकिया की 200 ईसाइयों को तो शरण दिया, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को शरण नहीं दिया। सरकार का कहना था कि उनके यहाँ मस्जिद नहीं है। मुस्लिमों को शरण देने के लिए मस्जिद की मांग को लेकर संकट पैदा हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले की चारों ओर आलोचना हुई थी, लेकिन स्लोवाकिया ने अपने फैसले पर अड़ा रहा और यहाँ पर अभी तक एक भी मस्जिद नहीं बन पाई है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।